हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं जयंती सिंह और ये है मेरा टेरेस गार्डन। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आई हूं। काम नहीं कर पा रही थी और ठीक से प्लांट अपडेट नहीं कर पा रही थी, प्लांटों के बारे में बता नहीं पा रही थी। इसका मेजर का कारण जो है मैं आप लोगों का शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको आज अपना टेरेस गार्डन दिखाना चाह रही हूँ कि वो कैसा लग रहा है। कुछ टाइम पहले आपको पता था कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे टेरेस गार्डन की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले जो मैं जिस प्लांट की बात करने जा रही हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है। मतलब बहुत सारे प्लांट मेरे प्यारे हैं, बट सबसे प्यारे में से अगर मैं किसी का नाम लूँ तो वो है मेरा ये बेलपत्र का पौधा। तो आप इसे देखिए, इसकी जो है खूबसूरती देखिए, ये कितना घना हो रहा है और ये हमेशा से ही इतना खूबसूरत रहता है। और इसमें लगभग सारा टाइम जो है इसमें पत्तियां ऐसे ही रहती हैं। लास्ट नवंबर दिसंबर में इसमें पत्तियां नहीं थी क्योंकि मैंने इसे रिपोर्ट किया था। तो रिपोर्ट करने के बाद, सर्दियों में जब रिपोर्ट करते हैं तो इसमें जो है पौष्टिक तो ठंड होती है और ऊपर से मैंने इसे रिपोर्ट किया था, उस वजह से इसमें जो है सारी पत्तियाँ झड़ गई थी, वरना ये बहुत अच्छे से जो है बढ़ रहा है। आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ना कुछ नई नई ब्रांचेस अभी भी बन रही हैं कंटिन्यूसली, और नई कुछ पत्तियाँ, मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ बन रही हैं, पुरानी पत्तियाँ जा भी रही हैं, नई पत्तियाँ आ भी रही हैं। तो अगर आपके पौधे में पत्ते सिर्फ झड़ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो ज़रा चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँगी, तो लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये है मेरा हार सिंगार का पौधा और इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया चल रही है। चलिए मैं आपको इसको करीब से दिखा। ये देखिए मेरा जो बेलपत्र का पौधा है, आप ये ध्यान से देखिए तो इसकी पत्तियाँ कितनी खिली खिली और ख़ूबसूरत हैं। और मैं थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ ताकि ये आपको पूरी तरह से दिखाई दे, और ये ऊपर तक जा रहा है। ये देखिए, तो ये जो लाइट ग्रीन कलर है, ये इसकी नई पत्तियाँ इसकी आनी स्टार्ट हो गई हैं। और ये देखिए साइड से, तो ये अभी इसकी नई ब्रांच है जो ये बन रही है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है। इसके अलावा इसके और भी ब्रांचेस बन रही हैं, ये देखिए यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर। तो इसी तरीके से नई नई ब्रांचेस जो है कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो ये सब जो होता है ये प्रूनिंग के थ्रू होता है। अब ये देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बस पुरानी पत्तियां नहीं हैं, बिल्कुल हरा भरा है। तो ये फ्रेंड्स पहले आई हुई थी, जो अब ये जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तब की बात है। तो अब ये झड़ रही हैं, पुरानी पत्तियां हैं, ये सूख रही हैं और उसकी जगह पे ये नई पत्तियां भी आ रही हैं। तो ये वैसा ही होना चाहिए जैसे कि मैं बता रही हूँ कि पुरानी पत्तियाँ जा रही हैं, ओके है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए पुरानी पत्तियाँ हैं, हार्ड है, थोड़ी हार्श है, तो ये पुरानी पत्ती है और ये पहले ब्रांच बनी थी, ये वो ब्रांच है, और ये जो है ये नई ब्रांच है। तो नई पत्तियाँ आना, पुरानी पत्तियाँ जाना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ज़रूरी बात है ये है कि अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। अब ये देखिए मेरे प्लांट के नीचे और भी जो है बेलपत्र की जो जड़ से और भी पौधे निकल रहे हैं, बट ये सिर्फ जड़ से है, इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मेन बात है कि हमारा प्लांट का ग्रोथ कैसी है। तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है और ये देखिए यहाँ से एक और जो है ब्रांच निकल रही है। मेन बात ये है कि ऐसा क्यों होता है कि फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम खाद देते रहिए, टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहिए। साल में एक बार तो प्रूनिंग करनी बनती ही है और उसके बाद ग्रोथ अच्छी होती है। ये देखिए, ये है हार सिंगार का पौधा, बहुत छोटा लेके आई थी और अब इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है। मैंने इसको सपोर्ट नहीं दिया है, मैं इसे सपोर्ट दूंगी अभी, और काफ़ी अच्छी हाइट ले रहा है, छोटे से गमले में है। ये बहुत बड़ा पेड़ बनता है अगर आप इसे गर्म गमले में रखेंगे, तो एक गमले के अकॉर्डिंग ही ग्रो करेगा। अगर आप इसे बड़े एक हाइट देना चाहते हैं पेड़ की तरह, तो ये पेड़ की तरह भी आप इसे ग्राउंड में लगाइए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखिए इसकी ब्रांचेस कंटिन्यू ग्रो हो रही हैं, ये देखिए न्यू ग्रोथ्स, ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसी के नीचे है अपना केले का पौधा, बराबर बढ़िया बढ़ रहा है,
ये देखिए पत्ते, जो ये बारिश का मौसम चल रहा है, इस बारिश के मौसम में सारे के सारे पौधे एक जादू की तरह काम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, एकदम खिले खिले रहते हैं। तो गर्मियों में तो खैर पौधे झुलस जाते हैं, सर्दी में ज़्यादा ठंड की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बारिशों में कोई ऑप्शन नहीं होता, बहुत ही मज़ेदार ग्रो करते हैं। चलिए मैं आपको एक और पौधा दिखाती हूँ, जो हाल फिलहाल में तो नहीं लेकिन कुछ महीनों पहले लगाया था और उसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो आप अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जिस पौधे के बारे में बात कर रही हूँ ये है वो पौधा, ये है अपराजिता का। तो आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए, तो ये ग्रील के ऊपर से जा रहा है, यहाँ मैंने एक डंडा लगाया है ग्रील से बांधकर, और इस डंडे पर रस्सी लगाते हुए मैंने इसको टेरेस से, अपनी जो है छत की टंकी वाले हिस्से से मैंने इसे बांध दिया है। मेरा प्लान ये है कि यहाँ से ऊपर जाते हुए ये यहाँ से निकले और यहाँ से मैं इसको ऊपर चढ़ाऊँ। तो कुछ हद तक ये ऊपर चढ़ गई है। और आप फूलों की बात करें तो ये देखिए फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये ब्रांच इसी तरीके से बढ़ती जाएगी और रिज़ल्ट अच्छा देगी। मैं नीचे से बात करूं तो आप देखिए नीचे से इसकी ग्रोथ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूं अपने टेरेस पर, और ये बिल्कुल ग्राउंड में लगी है, और ग्राउंड से लेके अब तक इसकी जो है खूबसूरती देखिए, फूल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने सारे फूल हैं यहाँ पर ये देखिए। और नीचे से बिल्कुल ज़मीन पे लगा हुआ है तब से यहाँ तक, कितना बढ़िया से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर जो आप ये सूखे हुए पत्ते देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि मैंने जब इसको बांधा था, ये लपेटा था, तो थोड़ा ब्रांच मुड़ मुड़ जाती हैं, तो ये उसकी वजह से हुआ। बस कुछ ही है, बस ये ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इसके अगेन, और ग्रोथ स्टार्ट हो नहीं जाएगी, स्टार्ट हो चुकी है ये देखिए। और आप फूल देखिए, फूल कंटिन्यू आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं इसके, ये देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसकी टी बनती है, हर्बल टी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है हम लोगों के लिए। तो अगर आप लोग पीना पसंद करते हैं तो इंजॉय कीजिए, और पूजा में तो ये फूल यूज़ होते ही हैं। तो बताइए आप मुझे, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लांट के बारे में? अगर आपने भी अपराजिता लगा रखा है और फूल नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्लांट में फूल नहीं बन रहे हैं, बट एक्चुअली प्लांट एक अपनी एज में अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही, अपनी हाइट, मतलब जब उनकी पावर होती है उस पावर के अकॉर्डिंग ही वो अपने प्लांट को फूलों में कन्वर्ट करते हैं, फूल लाते हैं। यानी अगर आप सोचें कि फूल नहीं आ रहे तो ऐसा मत सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए। लाइक मेरे इस प्लांट जो है, इसने पहले यहाँ तक पूरे ग्रिल तक हाइट ली थी, उसके काफ़ी टाइम बाद इसमें फूल आ रहे थे। काफ़ी लोग कहते फूल नहीं आ रहे थे, मैंने कहा कि रुको, अभी इसने ध्यान पूरा ग्रोथ पर लगा रखा है, जब इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी उसके बाद ही फूल स्टार्ट करेगा। तो जब इसने अपनी ग्रोथ पूरी ले रही प्रॉपर जिसमें उसको चाहिए था, उसके बाद इसने फूल देने स्टार्ट किए, और जैसे ही फूल देने स्टार्ट किए फूलों की संख्या आप देख ही सकते हैं। कि आप पौधों को मैच्योर होने के लिए और उनको अपनी मर्ज़ी से फूल देने के लिए आप ज़्यादा फोर्स ना करें। तो अगर आप मुझसे बात करें कि मैंने इसमें ऐसा क्या डाला, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही नेचुरल है, मैंने सिर्फ इसमें लोहे की कील डाली थी, लगाई थी, और बस इसमें जा रहा है बारिश का पानी, और इसकी जो है बढ़िया से ये ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया से ये सर्वाइव कर रहा है, बढ़िया से ये फूल दे रहा है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी और भी कि आप क्या कर सकते हैं अपने पौधे के साथ, ताकि वो आप इस तरह से ग्रोथ करे, सुंदर से बढ़े। अभी मैंने इसको बांधा कैसे ज़मीन से, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें रस्सी यूज़ की हुई है और उसी के थ्रू मैंने इसे बांधा और इसे ऊपर तक चढ़ा रही हूँ। बस इंतज़ार है कि कब ये यहाँ तक चढ़े, और होप जल्दी ही चढ़े क्योंकि इसने काफ़ी ऊपर तक ले लिया है, बस ये पहुँच जाए जल्द। नेक्स्ट हम जो दूसरे पौधे की हम बात करेंगे तो ये है हमारा हिबिकस, यानी कि गुड़हल का पौधा। इसमें मेरे लाल फूल आते हैं, और ये देखिए कितना जो है ये हेल्दी है, फूल दे रहा है कंटिन्यू, काफ़ी सुंदर फूल दे रहा है ये देखिए, बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं। गुड़हल के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अलावा ये देखिए और भी यहाँ पे फूल बन रहे हैं साइड में, वो देखिए।
इसे इस मैंने पहले साइड में कहीं और छत के पीछे साइड में लगा रखा था, लेकिन अब मैंने इसे बालकनी साइड पे लगा दिया है। इसमें छोटे छोटे जो है अभी बर्ड्स भी बन रहे हैं, वो देखिए कुछ फूल जो टाइम हो जाता है तो इस तरह से एक दिन के बाद गिर जाते हैं, और आप इनका यूज़ कर सकते हैं ऑयल बनाने के लिए, आप इनको शैम्पू की तरह यूज़ कर सकते हैं, इनका आप मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी टी भी बनती है। तो आप देखिए आप हिबिस्कस के यानी गुड़हल के फूलों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, ये आपकी चॉइस है, या चाहे तो आप इसकी खाद भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है ये काम के फूल होते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है ये भी, ये बहुत अच्छे अच्छे फूल दे रहा है, बहुत सुंदर सुंदर फूल दे रहा है और बहुत सारे फूल दे रहा है। तो अब बताइए, ये तुलसी का पौधा बगल में लगा हुआ है, यहाँ पर एक और तुलसी का पौधा ग्रो कर रहा है, यहाँ पर भी तुलसी के पौधे उग गए हैं, ये ग्रो हो गए हैं, अपने आप से उगे हुए हैं। ये हमारा मंदार का पौधा है, इसी के आगे पीछे ये बीज हो गए हुए हैं और हम इसको जल्दी ही अलग कर देंगे ताकि हमारे इस मंदार के पौधे को स्पेस मिल जाए, तो हम इनको जल्दी ही अलग कर देंगे। ये देखिए, ये है हमारा स्नेक प्लांट, इसे मैं फ्रेंड्स मांग कर लेकर आई थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और मैंने इसे बाहर रखा हुआ है, पानी इसमें जा रहा है, नेचुरल लाइट नेचुरल पानी सब जा रहा है इसमें और अच्छे से ग्रो कर रहा है। और लोग कहते हैं कि कम पानी दो, तो फ्रेंड्स कम पानी से मतलब नहीं होता, अगर घर के अंदर इंडोर रखो तब आप ज़्यादा पानी दो तो ये सड़ जाएगा, ये आउटडोर है और ज़्यादा पानी जा भी रहा है, ये देखिए कितनी इसमें मिट्टी है, बारिश में है ये, फिर भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि आप इंडोर रखो तब बहुत कम पानी देना चाहिए। ये मेरे पॉट हैं, ये अभी खाली पड़े हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो छत है यहाँ पर, जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाने जा रही थी वो ये है, ये मेरी इस साइड एक बिल्डिंग बन गई है फिर से, जिसकी वजह से मलबा वगैरह गिर रहा था और मैं यहाँ कोई काम नहीं कर पा रही थी, मुझे सारे पौधे इधर उधर मेरे हो गए थे, पूरा घर जो है ये मलबे से भरा हुआ था। कुछ टाइम पहले ये वाला घर बना था, लगभग एक साल पहले, और ये है भी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, और ठीक इस साइड ये दूसरी बिल्डिंग बन गई है, मेरा घर हो गया, दोनों साइड बिल्डिंग्स बन गई हैं और मेरा घर काफ़ी नीचे है, और मुझे इस बात का थोड़ा सा जो है मलाल होता है, बुरा लगता है कि मेरा घर नीचे है, बट घर बनाने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा और अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं भी घर बना पाऊँ। इन द फ्यूचर आप लोगों के सपोर्ट से मैं जल्दी शायद अपना घर बनवा लूँ, और घर बनवाने के बाद जो है मेरा घर भी ऊँचा हो जाएगा और मेरा टेरेस गार्डन और भी अच्छा बनेगा, क्योंकि इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की वजह से मेरा काम काफ़ी टाइम रुका रहा, अभी इस बिल्डिंग की वजह से रुका रहा तकरीबन 4 से 6 महीने, और इस बिल्डिंग की वजह से तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा काम रुका रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और बीच में भी एक प्रॉब्लम आ गई थी, लगभग मैं 1.5 से 2 साल से मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू, मूड स्विंग्स भी होते हैं क्योंकि काम ना कर पाओ तो बहुत गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील होता है, बट पौधों के पास आने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। करें तो ये है मेरा अनार, वेल ग्रो कर रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा प्यारे तरीके से ग्रो कर रहा है, फूल इसमें आ रहे हैं, ये देखिए वो देखिए यहाँ पर देखिए और यहाँ पर भी देखिए, कुछ फूल गिर भी रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, बट अभी मैं इसको कुछ कमेंट नहीं करूँगी कि मुझे फ्रूट देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अभी ये छोटा है, छोटे पौधों पे उम्मीद करना बेवकूफ़ी होती है, तो मैं चाहती हूँ अभी और बड़ा हो जाए और मैं इससे कोई उम्मीद नहीं पाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए इस पॉट में अक्सर मैं सब्ज़ियाँ लगाती हूँ, बट अभी मैं इसमें कुछ नहीं लगा पा रही बिकॉज ऑफ ये घर की वजह से, अभी घर का मैटर ख़त्म हो चुका है, अब हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। और ये देखिए मेरा सदाबहार ये उग गया है इसमें, ये इसमें नीम उग गया है, इसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे कहीं पर, देखते हैं कोई अच्छी जगह पे जगह मिलके हम इसको ज़मीन पे लगाएंगे ताकि हमको हरी भरी छाया दे, सुंदर सी ठंडी ठंडी छाया दे। ये देखिए ये है बताइए क्या है ये, अपराजिता, ये देखिए फूल, अभी इसमें क्या है कि ये मैंने खुद से ग्रो
किया था, बट इसमें बहुत सारे पौधे एक साथ ग्रो हो गए हैं, तो ये झाड़ सा बन गया है। और मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको इसी के अंदर रहने दूँ, बढ़ाऊँ, सेपरेट करूँ, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। दिमाग के ऊपर बात जाती है, देखा जाएगा इसका। और ये इसका प्लेस भी नहीं है, मैंने अभी इसको प्लेस नहीं किया, जस्ट रखा हुआ है। मुझे अभी इसके लिए जगह सोच रही हूँ कहाँ मैं इसको रखूँ। ये है मेरा रंगून क्रीपर, ये देखिए इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये बिल्कुल मरने की हालत में था, ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आई होप मुझे इस बार इससे कुछ रिज़ल्ट मिले, इससे मुझे कुछ फूल मिले। मैं कोशिश करूँगी, उम्मीद करती हूँ, होप, उम्मीद, उम्मीद बड़ी चीज़ है, वो रखनी चाहिए। ये देखिए, ये है मेरा एलोवेरा। फ्रेंड्स, एलोवेरा पर अगर बात की जाए तो बहुत से लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि फ्रेंड्स इसको यहाँ पे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखिए, जैसे ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसको पानी पसंद ना हो। अब बारिश के टाइम पर देखिए, एक भी साइड पे ना, अगर आपको, इसकी बात मत कीजिए, लेकिन नॉर्मली आप पूरा कितना ग्रीन दिख रहा है एलोवेरा, तो इसको पानी आप ढेर सारा दीजिए, पर धूप में रखिए, धूप इसको बहुत अच्छी लगती है। पानी दे दीजिए ढेर सारा और धूप में रखिए, बहुत खुशी खुशी ग्रो होगा, बहुत सुंदर से ग्रो होगा। ये देखिए कितना प्यारी प्यारी पत्तियाँ आ रही हैं इसमें, बहुत ही सुंदर लगता है। छोटे छोटे जो हैं पौधे एलोवेरा के, बड़े हो रहे हैं और इसी से बने हैं ये सारे। ये कितना बड़ा है, ये हमारा बादाम छोटे पॉट में ग्रो कर रहा है। सेट चीज़ ये है, ये है हमारा अमरूद, जिसने हमको भर भर के अमरूद दिए थे, बड़े बड़े अमरूद दिए थे, लेकिन ज़्यादा गर्मी और फिर बारिश, तेज़ बारिश की वजह से ये नहीं बच पाया। और इसको हमें रिमूव करना है, और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे ये अभी सोचने वाली बात है। यहाँ अगेन हमारे एलोवेरा, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी, और ये मेरा सब, हम सबका प्यारा, ये भी मेरा फेवरेट है, ये है मेरा सहजन, यानी कि मोरिंगा का प्लांट, मेरा मोरिंगा का प्लांट है। तो मैं इसकी ज़रा आपको हाइट दिखाना चाहूँगी इसकी, ये देखिए हाइट, ओह गॉड, ये देखिए इसकी हाइट, देखिए इसकी हाइट मेरे से भी ज़्यादा है। और ये पॉट में लगा है, छोटे से पॉट, इसके अंदर ये लगा हुआ है, और ये कितनी अच्छी इसने ग्रोथ की है, बहुत बढ़िया। अपनी इस मोरिंगा के प्लांट के लिए मैंने कुछ प्लान कर रखा है कि मैं इसको ज़मीन पर लगाऊंगी, और ज़मीन पे लगाने के बाद जो इसकी ग्रोथ मैं देखना चाहती हूँ, और इसके जो मोरिंगा के जो सब्ज़ी होती है, जो फल होते हैं, मैं उनका यूज़ करना चाहती हूँ, कंज्यूम करना चाहती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लगाने के लिए। तो इसके लगाने के लिए जो मैंने जगह सोच रही है, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगी। मैंने आपको ये तो दिखाया कि अपराजिता की हमारी बेल बहुत वेल ग्रो हो रही है, ठीक है। साथ में हमने, मैंने आपको ये दिखाना भूल गई कि ये मेरा नीम है, ये देखिए कितना बढ़िया से ग्रो कर रहा है। और एक वो नीम जो मैंने लगाया, वो भी बहुत बढ़िया से चल रहा है हमारा। और वो रहा हमारा चंपा का पौधा, जो बहुत बढ़िया चल रहा है। चंपे का पौधा के साइड में ही हमको इसको मोरिंगा लगाना है, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, हम उनसे बात कर चुके हैं इस मामले को लेके। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा मनी प्लांट। ये बहुत लंबा था, इतना लंबा, यहाँ से ये पूरा जा रहा था दीवार को, लेकिन क्योंकि मैं गांव जाना पड़ा था, तो मेरे पीछे से ये बिल्कुल सूख गया था। फिर मैंने उसको कट कर दिया, अब ये इसकी न्यू ग्रोथ है, ये अपने आप अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बस मुझे इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसको बांधना है, ताकि फिर से ये ग्रो हो जाए। इसी के अंदर, मनी प्लांट के अंदर, ये तुलसियाँ उग रही हैं मेरी, ये देखिए कितनी खूबसूरत तुलसियाँ हैं, ये अच्छे से वेल ग्रो हो रही हैं। और ये पीपल, मैं इसको पता नहीं कब लगा पाऊँगी कहीं पर, मैं पता नहीं मेरा क्या होगा इसका। और ये देखिए, ये है मेरा अगेन अपना सदाबहार, ये है नींबू, जो अभी अभी इसमें नई ग्रोथ दिखाई दे रही है, और अभी कुछ खास नहीं दिख रहा।
पॉट मेरे काफ़ी सारे खाली हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने सफाई कर करी थी चूँकि काम बंद हो गया है, तो अब सफाई स्टार्ट कर दी है। सफाई के लिए हमने ये जो छत हम क्लीन कर रहे हैं, पॉट खाली हो गए, काफ़ी पौधे सूख गए थे, वो अपना चीकू और वो अपना सदाबहार, देखिए छोटा सा नीम इसके अंदर, और ये अपना अपराजिता, वो रहा अपना अजवाइन। ये देखिए बड़ा ही मजबूत और पक्का पौधा होता है अजवाइन, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से बुरी सिचुएशन ये झेल जाता है। और ये देखिए इसने दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट की है, इसकी खुशबू बड़ी अमेजिंग होती है फ्रेंड्स। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, जेट प्लांट और ये वाला जेट प्लांट, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, बहुत ही मस्त इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये देखिए यहाँ से इसकी ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से भी निकलनी स्टार्ट हो गई है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ये निकलनी स्टार्ट हुई हैं। कि मैं इसको बड़े पॉट में लगाऊँगी और इसको मैं इतना खूबसूरत बनाऊँगी, इतनी खूबसूरत शेप दूँगी फ्रेंड्स कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही किया या नहीं। पहले वाला जो मेरा बहुत ही सुंदर जेट प्लांट था, वो कोई चुरा के ले गया, घर के बाहर रखा था। जी हाँ, वो मेरा जेट प्लांट चोरी हो गया है, कोई उसे चुरा कर ले गया है पूरा पूरा गमला समेत, और बहुत ही सुंदर था वो, लेकिन चुरा ले गया, उसकी नीयत ख़राब हो गई लोगों की। अब क्या कर सकते हैं, खुद उगा नहीं सकते तो दूसरे का पौधा चुरा लो, केयर नहीं कर सकते तो दूसरे का नुकसान कर दो, दैट्स इट। बट ओके, चलो खुश, वो खुश, हम दोबारा से ग्रो कर लेंगे, राइट। बस आप लोगों का साथ होना चाहिए, हम वापस से अपनी टेरेस को बिल्ड कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ जो अपनी छत के लिए सोचा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इस एरिया पर मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैं एक चूल्हा लगाऊँगी, जहाँ पर मैं कुकिंग करूँगी चूल्हे वाला, और यहाँ पर तो पॉट है ही है, ठीक है, यहाँ पर पौधे हैं वो ठीक है, इस एरिया में तो पौधे रहेंगे, उस एरिया में पौधे नहीं रहेंगे, वहाँ चूल्हा बनेगा, और ऊपर मैं कुछ कवर करूँगी, मतलब लाइट डेकोरेशन के लिए, बस वैसा ही। और अपनी छत के इस एरिया में मैं यहाँ पर कुछ कवर करके, मतलब करूँगी जो भी करना है, और यहाँ पर बनेगा मेरा सिटिंग एरिया प्लांट के साथ, जो बहुत खूबसूरत लगने वाला है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा गार्डन, गार्डन का काम शुरू हो गया है और कोशिश रहेगी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अब इस घर का काम हो चुका है कंप्लीट, मतलब उसके अंदर का काम बाकी है, जो वो उसके परेशानी है, जो बनाने वाला काम था वो ख़त्म हो गया है, यानी हमारे घर पर मलबा नहीं आएगा, उसे प्रॉब्लम ख़त्म। और ये पीछे वाला घर वो पहले ही बन चुका था, यानी ये वाला बन के ख़त्म हो चुका है। अभी एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कहीं वो पीछे वाला घर, जो जगह प्लॉट बना खाली है, अगर वो बनने लगा तो फिर से मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बस आप लोगों से एक दुआ है, एक उम्मीद है कि आप लोगों के सपोर्ट से, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से, बहुत ज़्यादा, और मुझे यकीन है आप लोगों पे कि आप लोगों के थ्रू मैं वो चीज़ कर पाऊँगी जो मुझे चाहिए, और आप लोग मुझे जितने हिसाब से मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि मैं कर पाऊँगी, और आप लोगों की मदद से मैं ये घर जो मेरा छोटा हो गया है, बहुत छोटा हो गया है ये घर जो है, ये ढाई मंजिल है और ये 3.5 मंजिल है, और मेरा है ग्राउंड फ्लोर, मेरा फर्स्ट फ्लोर भी नहीं है, तो मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैं चाहती हूँ मेरा घर भी ऊँचा हो जाए। एंड इस विश के साथ कि आप लोगों के साथ काम करते हुए, आप लोगों के साथ बातें करते हुए, मेरा ये सपना जल्दी से जल्दी सच हो जाए। एंड मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही बताने वाली हूँ एक खुशखबरी जो कम्प्लीट हो गई है आप लोगों के थ्रू, एंड उस लोगों के लिए दिल से शुक्रिया, मैं जल्दी ही आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, और प्लांट रिलेटेड, टेरेस गार्डन रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। एंड कोई पौधा फूल नहीं दे रहा है, बेल पत्र
में पत्तियाँ नहीं आ रही हैं या कोई और प्रॉब्लम है बताइए मुझे, मैं सॉल्व करूँगी। मुझे प्लांट से प्यार है, मुझे नेचर से प्यार है, मुझे आप लोगों से प्यार है। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। ज़्यादा देर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं, आप मुझे सुपर सपोर्ट भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी सेंड कर सकते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे गिफ्ट सेंड करेंगे तो, और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर्स बनेंगे तो और भी ज़्यादा खुशी होगी मुझे। इससे आपको लाइव चैट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो हम आपस में प्रॉपर तरीके से प्लांट से रिलेटेड बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।